मुंबई के पास डोंबिवली में 20 साल की युवती की हत्या, ड्यूटी से लौटे पति को घर में मिली पत्नी की लाश। बाहर से लॉक था घर का दरवाजा, पुलिस के मुताबिक सिर्फ पति पत्नी के पास रहती थी चाबी। कोलकाता के मैरीलैंड नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर परिवार वालों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। अहमदाबाद में खिलौना गाड़ी से कुचलकर 2 साल के बच्चे की मौत, अम्यूजमेंट पार्क के खिलाफ केस दर्ज। घरवालों ने पार्क के इंतजामों पर उठाए सवाल, कहा बच्चे को 2 बार रौंद गई गाड़ी, चीखने चिल्लाने पर भी नहीं रुकी ट्रेन। अमृतसर में खुले मैनहोल की वजह से सड़क पर गिरी स्कूटी सवार लड़की, मौके पर हुई मौत। कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी लड़की की शादी, सीवर का ढक्कन चोरी होने से हुआ हादसा। फरीदाबाद में झील में डूबकर 2 छात्रों की मौत, करीब 300 फुट गहरे पानी में नहाने वक्त हुआ हादसा। दिल्ली में एक जिम ट्रेनर की संदिग्ध हालात में मौत, घरवालों ने ससुराल वालों पर जताया जहर खिलाने का शक। जिम ट्रेनर ने आर्य समाज मंदिर में किया था प्रेम विवाह, पत्नी के घरवालों ने किया था विधिवत शादी कराने का वादा। दिल्ली के पंजाबी बाग में छात्र की मौत, स्कूल बस में गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था, खंभे से टकराया सिर। स्कूल की छुट्टी के बाद हुआ हादसा, 10वीं में पढ़ता था जसकरण, अस्पताल में हुई मौत। चेन्नई में स्कूल बस के फर्श पर बने छेद से गिरकर 7 साल की बच्ची की मौत, हादसे के बाद लोगों ने बस में की तोड़फोड़। दुबई में मारे गए भारतीय मछुआरे का शव तमिलनाडु में उसके गांव पहुंचा, पिछले हफ्ते अमेरिकी नौसैनिकों ने की थी हत्या। बैंगलोर के पास मनचलों का विरोध करने पर लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंका, पुलिस हिरासत में छेड़छाड़ के 4 आरोपी। बैंगलोर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर उठे गंभीर सवाल, 6 साल के 2 बच्चों पर जुल्म ज्यादती का पर्दाफाश। बढ़ी हुई फीस नहीं चुकाने पर मिली दोनों बच्चों को सजा, 11 दिन तक स्कूल के वक्त लाइब्रेरी में किया कैद। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में हैवानियत भरा सलूक, 24 घंटे तक अस्पताल के कोने में पड़ा रहा मरीज। मीडिया के दखल पर शुरू हुआ मरीज का इलाज, ड्यूटी ऑफिसर ने कहा घरवाले इस शख्स को छोड़कर हुए फरार। जम्मू में धरा गया पाकिस्तानी नागरिक, कहा जान बचाने के लिए की घुसपैठ, पुलिस को जासूस होने का शक। अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल की आज बुलंदशहर कोर्ट में पेशी, जंतर मंतर से होंगे रवाना। सांसदों के खिलाफ टिप्पणी के केस में कोर्ट ने भेजा है नोटिस, केजरीवाल बोले कानून का करता हूं पूरा सम्मान। केजरीवाल संसदीय सचिवालय को पहले ही दे चुके हैं जवाब, विशेषाधिकार हनन मामले में मिला था नोटिस। लोकपाल के लिए बेबुनियादी अनशन पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार ने दागी मंत्रियों पर है साधा निशाना। टीम अन्ना आज 5 और मंत्रियों से खोलेगी चार्जशीट, भ्रष्टाचार के आरोपों का होगा भंडाफोड़। लोकपाल की लड़ाई में टीम अन्ना के अनशन का 2रा दिन, दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से शुरू हुआ आंदोलन। आंदोलन के पहले दिन टीम अन्ना ने सरकार पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री समेत 4 मंत्रियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री पर लगाया कोयला घोटाले का आरोप, कहा बिना नीलामी के आवंटित किए गए खदान। टीम अन्ना ने चिदम्बरम और कपिल सिब्बल पर भी लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह को भी लपेटा। नए महामहिम प्रणब मुखर्जी पर भी टीम अन्ना ने उठाई उंगली, केजरीवाल बोले दादा का राष्ट्रपति बनना दुर्भाग्यपूर्ण। आंदोलन के पहले दिन अन्ना ने भरी हुंकार, कहा जनता की तिजोरी से हो रही है चोरी। अन्ना हजारे ने लोकपाल को लेकर पीएम पर बोला हमला, कहा सिर्फ आश्वासन दे रहे मनमोहन। अन्ना हजारे ने कहा लोगों के सामने लाई
सरकार की मंशा, यूपीए सरकार नहीं लाना चाहती मजबूत लोकपाल। अन्ना बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये निर्णायक लड़ाई, कहा नतीजा आने तक नहीं थमेगा आंदोलन। अन्ना ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 4 दिन का दिया अल्टीमेटम, रविवार से अनशन पर बैठने की तैयारी। अन्ना के गांव रानीगंज सदी में आंदोलन के समर्थन में निकली मशाल जुलूस, कल एक दिन के अनशन पर बैठे 200 लोग। टीम अन्ना के आंदोलन को मुंबई अनूठा समर्थन, लोगों ने बेचा भ्रष्टाचार मिटाने वाला शैंपू। लालू के इलाके छपरा में भी अन्ना का समर्थन, दिल्ली की तर्ज पर अनशन और प्रदर्शन। रांची के लोगों ने भी किया अन्ना का समर्थन, जगह जगह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थक। अहमदाबाद में भी अन्ना का समर्थन, बापू की प्रतिमा पर मालार्पण के साथ शुरू हुआ आंदोलन। यूपी में उठा सियासी तूफान, ताकतवर मंत्री आजम खान ने की इस्तीफे की पेशकश, सीएम अखिलेश की बड़ी मुश्किल। मेरठ जिले का प्रभार छीनने से खफा है आजम खान, कहा अब मंत्री पद की जिम्मेदारी भी क्यों उठाओ। आजम के पास था मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर का चार्ज, सूत्रों के मुताबिक बलराम यादव को मिला मेरठ का प्रभार। ठाकरे खानदान में बीमारी बनी दूरियां मिटाने का जरिया, बाल ठाकरे को देखने राज पहुंचे लीलावती अस्पताल। पेट दर्द की तकलीफ के बाद बाल ठाकरे हुए अस्पताल में भर्ती, अभी कुछ और दिन चलेगा इलाज। महंगाई पर ममता ने फिर तररी आंखें, दीदी बोली मनमर्जी से बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, रोकबा की मांग। गोवा में और सस्ता हुआ तेल, पेट्रोल के दाम में 84 पैसे की कमी, डीजल भी 40 पैसे सस्ता। गोवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 57 रूपए, 43 रूपया हुआ डीजल का भाव, वैट हटाने से घटे दाम। नोएडा और गाजियाबाद में रसोई गैस महंगी, प्रति सिलेंडर 5 से 6 रूपए ज्यादा चुकानी होगी कीमत। सूरत के पास पलटा डीजल से भरा टैंकर, डीजल बटोरने के लिए उमड़े आसपास के लोग। पिछले कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद आखिरकार कांग्रेस और एनसीपी में सुलह, पीएम के घर हुई बैठक में निकला हल। पीएम के घर हुई बैठक में सोनिया के साथ पवार भी मौजूद, सोनिया ने दिया यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भरोसा। बैठक के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, 2014 तक यूपीए सरकार के साथ कायम रहेगा रिश्ता। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक दोनों दलों में तालमेल बनाने को लेकर भी हुई चर्चा, महीने में एक बार बैठक कर होगी बातचीत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा शरद पवार के साथ तो वो भी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। प्रणब मुखर्जी बने देश के 13वें राष्ट्रपति, संसद के सेंट्रल हॉल में कल चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी का पहला भाषण, बोले भूख भ्रष्टाचार और आतंक को खत्म करना जरूरी। नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा भूख से बड़ा कोई अपमान नहीं, देश से हटनी चाहिए गरीबी। राष्ट्रपति ने भाषण में किया बंगाल के अकाल का जिक्र, कहा तब मैं बच्चा था, अब बेहतर हो चुकी है खेती किसानी। नए महामहिम ने किसानों की हालत पर जताई चिंता, कहा किसानों की तरक्की से ही देश का विकास। प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति भवन से भावपूर्ण विदाई, तीनों सेनाओं ने सलामी देकर कहा अलविदा। प्रणब के शपथ ग्रहण में ममता बनर्जी भी हुई शामिल, दादा को दी बधाई, कहा बंगाल का रहा है महामहिम का इंतजार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने भी दादा को दी मुबारकबाद, नए राष्ट्रपति को बिहार आने का दिया न्योता। प्रणब के खिलाफ संगमा के फैसले से बीजेपी ने खुद को किया अलग, संगमा ने की है कोर्ट जाने की तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने राष्ट्रपति को दी बधाई, कहा संगमा कोर्ट जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। असम में भड़के हिंसा में मरने वालों की तादाद 40 के पार, कल शाम धुबरी जिले में एक की मौत, 2 घायल।
धुबरी में सेना ने किया फ्लैग मार्च, कल शाम 5 बजे से 10 बजे रात तक कर्फ्यू में दी गई ढील। असम में छिड़े बवाल पर बीएसएफ के आईजी का बयान, कहा हिंसा में नहीं है बांग्लादेशियों का हाथ। हिंसा के बाद बांग्लादेश का बॉर्डर सीन, सरहद की रखवाली के लिए बुलाई गई बीएसएफ की 20 और कंपनियां। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर भी कड़ा पहरा, डीएम बोले गुवाहाटी में फंसे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम। कारगिल में हुई फतेह की आज 13वीं वर्षगांठ, देशभर में मनेगा विजय दिवस, कश्मीर में समारोह की खास तैयारी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय फौज ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को दी थी शिकस्त, टाइगर हिल पर लहराया था तिरंगा। कारगिल की लड़ाई में दुनिया ने देखा था भारतीय सेना का जौहर, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग। 2 महीने चली लड़ाई में पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिक हुए थे ढेर, भारतीय फौज के भी 500 जवान हुए शहीद। कारगिल फतह के बाद से वादी में लौटने लगी रौनक, हर साल बड़ी तादाद में पहुंचते हैं सैलानी। टीम इंडिया आज अभ्यास में बहाएगी पसीना, कोलंबो में 9:30 बजे से होगा प्रैक्टिस सेशन। हम्मनटोटा से हेलीकॉप्टर के जरिए कल कोलंबो पहुंची भारतीय टीम, खिलाड़ियों ने पूरे दिन किया आराम। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे जैक कैलिस, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर को दिया गया आराम। 2020 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की तैयारियों के मिले संकेत, जैक कैलिस हो सकते हैं रणनीति का अहम हिस्सा। ड्रग्स के चक्कर में फंसे राहुल शर्मा के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर, मुंबई की वेब पार्टी में पकड़े गए थे राहुल। राहुल के पिता ने जताया रिपोर्ट की अदला बदली का शक, रिपोर्ट आने की टाइमिंग पर भी उठाए सवाल। कपिल देव ने बीसीसीआई से किया पाचक, मुंबई में एन श्रीनिवासन से की मुलाकात, दूर हुए गिले शिकवे। पूर्व क्रिकेट कप्तान ने बीसीसीआई को दी चिट्ठी, चिट्ठी में आईपीएल और एसएल ग्रुप से नाता तोड़ने का किया दावा। कपिल ने कहा बोर्ड के सामने बच्चा हूं मैं, जब भी बुलाएंगे दौड़ा चला आऊंगा, बोर्ड को सेवाएं देने की पेशकश की। बीसीसीआई ने भी कपिल से मुलाकात के बाद बदले सुर, कहा क्रिकेट में कपिल का अहम योगदान, बोर्ड को उनसे मिलेगा सहयोग। बैठक के बाद अब कपिल को बोर्ड से तमाम सुविधाएं मिलने की उम्मीद, बोर्ड कई तरह से पूर्व क्रिकेटर्स का करता है सम्मान। अमिताभ बच्चन आज थामेंगे ओलंपिक मशाल, लंदन पहुंचे बिग बी ने किया ट्वीट। ओलंपिक स्टेडियम के नजदीक लगी आग से हड़कंप, जल्द ही काबू पाया गया। सुरेश कलमारी को हाईकोर्ट ने सशर्त लंदन जाने की दी छूट, उद्घाटन समारोह में नहीं हो सकेंगे शामिल। गेम्स विलेज पर खेल मंत्री अजय माकन का बयान, ट्वीट में कहा भारतीय खिलाड़ी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को बता रहे हैं बेहतर। लंदन पर छाया ओलंपिक का रंग, जगमगा उठा गेम्स विलेज, अब 10 एक दिन का इंतजार। फिल्म हीरोइन के प्रोमो रिलीज पर इतराई करीना कपूर, आज तक से कहा किसी दूसरी हीरोइन से मेरी बराबरी नहीं। हीरोइन बनकर छाने को तैयार है फराह खान, शाहरुख ने किया पोस्टर लॉन्च, फिल्म का नाम शिरीन फरहा की तो निकल पड़ी। बच्चों का दिल बहलाएगी एनिमेशन फिल्म आइस एज 4, हिंदी में डिजिटल 3D के साथ होगी रिलीज। दिल्ली में कल से शुरू होगा 12वां ओसियान सिनेफैन फिल्म फेस्टिवल, दिखाई जाएंगी 38 देशों की करीब 175 फिल्में। गंगा में विलीन हुए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ऋषिकेश में डिंपल और बेटी रिंकी ने किया काका का अस्थि विसर्जन।